Hello students, welcome to the 13th class on current affairs. In this class I will be dealing with a very important topic, that is NPR. ये एक नई चीज है जो आप सुन रहे होंगे. इससे पहले आपने NRC जरूर सुना होगा. मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है NRC के ऊपर. 13th क्लास है करंट अफेयर्स के ऊपर 2020 के स्टूडेंट्स के लिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस NPR? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, और पिछले 6 महीनों से अगर कोई फॉरेनर भी रह रहा है, इन दैट केस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनको अपने आप को रजिस्टर कराना है. क्या कराना है? रजिस्टर कराना है. एक डाटा मेंटेन किया जाएगा सब लोगों का जो हमारे देश में रह रहे हैं. दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. ठीक है, क्या इस तरह की एक्टिविटी पहले भी हो चुकी है? इस तरह की एक्टिविटी, सिमिलर एक्टिविटी बट नॉट कंप्लीटली सिमिलर, हम ऑलरेडी कर चुकी है हमारी सरकार. दैट इज आधार कार्ड. ठीक है, आधार कार्ड में भी सरकार ने जितने लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन लिया था. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NPR एंड आधार? बेसिकली ये क्लास डिफरेंसेस के ऊपर है. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लॉजिक क्या है इसका. बाद में हम डिफरेंसेस को समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में पक्का 101% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मैंने जैसे आपको बताया कि पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी रखना, ठीक है, सरकार चाहती है. एंड इसका लॉ क्या है हमारे पास? इट इज डन अंडर अ लॉ दैट इज नोन एज सिटीजनशिप एक्ट 1955. सिटीजनशिप एक्ट के अंडर मतलब ये एक्सरसाइज को कैरी आउट किया जाएगा. एंड दिस एक्सरसाइज विल बी कैरिड आउट बाई होम मिनिस्ट्री. होम मिनिस्ट्री इस एक्सरसाइज को कैरी करेगी. नाउ इन होम मिनिस्ट्री इट विल बी बेसिकली कैरिड आउट बाय नेशनल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो दैट इज द ऑफिस दैट विल बी कैरिंग आउट दिस एक्टिविटी दैट इज नोन एज NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री. नाउ ये क्यों किया जा रहा है? वाई दिस इज बींग डन? क्योंकि 2021 में अब नया सेंसस आने वाला है. नए सेंसस में हमारे देश में अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर क्या क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रहा है, कितना लोग यंग पॉपुलेशन में है, कितना लोग ओल्ड एज पॉपुलेशन में चला गया, कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, ये सारा कुछ हमें सेंसस में से पता चलेगा. एंड सेंसस को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने 21 के सेंसस में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री को इंक्लूड कर दिया है. नाउ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री में लोगों की बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ऐड हो जाएगी जो गवर्नमेंट के पास रहेगी. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री किस तरह से तैयार होगा? होम मिनिस्ट्री के लोग आपके घर पे आएंगे, फील्ड ऑफिसर्स वाले, ठीक है, सेंसस कंडक्ट कराने के लिए. आपका नाम पूछेंगे, आपकी फैमिली में कौन कौन रह रहा है वो पूछेंगे, आप क्या काम करते हैं वो पूछेंगे, आपका आधार कार्ड का क्या नंबर है वो पूछेंगे, आपका पैन कार्ड का क्या नंबर है, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का क्या नंबर है. दैट इंटायर थिंग विल बी आस्क्ड बाय द पर्सनल ऑफ होम मिनिस्ट्री. वो सब कुछ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का पार्ट बन जाएगा. अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना ज्यादा डाटा अगर आप सरकार को दे देंगे अपने बारे में, आपका प्राइवेसी तो खत्म हो जाएगा. So this will be challenging what? This will be challenging the privacy. And the state has got no right to peep into the life of the people. They should not interfere in the personal life of the people. Earlier government had done the same thing. That was challenged in the court. In the Aadhaar case, in that case Supreme Court had passed a verdict that the government has got no right to collect the personal information of the people. But again, what the government is doing? Government is again trying to collect the information, but now in another way. So this is the reason National Population Registry में जब वो आदमी आपके घर पे information collect करने आएगा, आपके पास option रहेगा. Compulsory कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें voluntary हैं. अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए,
नहीं बताना चाहते तो नहीं बता दिए। जब एनपीआर का एक्सरसाइज कैरी आउट होगा आपके घर पे, जब आएगा आदमी कंडक्ट करने के लिए, क्या आपसे वो फिंगरप्रिंट मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, इस कानून के तहत सरकार के पास हक नहीं है आपकी पर्सनल बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेने का। सो एनपीआर एक्सरसाइज इट विल बी प्राइमरली अ डेमोग्राफिक एक्सरसाइज अलॉन्ग विद अदर इंफॉर्मेशन, बट आपको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। बायोमेट्रिक इसमें कहां से लेगी सरकार? आधार से लेगी। दिस इज वन ऑफ द रीजन, आधार कार्ड में आप बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देते हैं, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आधार कार्ड में ये सारी इंफॉर्मेशन आप मेंशन नहीं करते हैं, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आपका एजुकेशन, आपकी स्कूलिंग, ये सारा कुछ मेंशन नहीं करते हैं आप आधार में। आधार इज बीइंग मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका एक अलग लॉ है, इसका एक अलग कानून है जिसके अंडर आधार का सरकार कलेक्शन करती है। नाउ इन दोनों का यूटिलिटी क्या है? देखिए, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एनपीआर जब हमारे पास आधार का डाटा है? देखो, एनपीआर का डाटा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि आपको वो बता रहा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड, सब कुछ पूछ रहा है वो, आपका आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है। अगर कोई गरीब आदमी है, उसके पास नौकरी नहीं है, सरकार उसको कुछ सपोर्ट करना चाहती है, तो एनपीआर का डाटा सरकार को मदद करेगा। सरकार जहां पे पैसा खर्च करेगी उसका कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। अगर सरकार आधार के, क्योंकि आधार में सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सरकार की सब्सिडी भी बेटर वे में टारगेट होना शुरू हो जाएगा। सरकार एक बहुत अच्छा प्रशासन दे पाएगी, एंड सरकार के जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं वो भी रिसोर्सेज सरकार के वेस्ट नहीं होंगे। तो ये एक लॉजिक है एनपीआर का कंडक्ट करने का। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने चाहता हूं, नाइदर आधार नॉर एनपीआर दोनों सिटीजनशिप राइट कन्फर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है आपका नाम एनपीआर में है तो आप सिटीजन हैं, आपका नाम आधार में है तो आप सिटीजन हैं। सिटीजनशिप को डिफाइन करने का पैरामीटर्स अलग है, जिस तरह असम में हो रहा है आज की डेट में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। देखो, वहां पे असम में एनआरसी कंडक्ट किया गया, जो लोग रिफ्यूजी थे और असम में आके रह रहे थे उनको सरकार अब निकाल देगी, क्योंकि वहां पे एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया, ठीक है। तो असम में आज की डेट में एनपीआर का एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं होगा, पूरे देश में कंडक्ट होगा अगले साल, ठीक है। 7-8 महीने ये एक्सरसाइज चलेगा, मार्च अप्रैल 2020 से लेके सितंबर तक 2020 तक ये रहेगा। आप ऑनलाइन भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करा सकते। सिटीजनशिप एक्ट में ये लिखा गया है कि आपको कराना लाजमी है, नहीं तो आपके अगेंस्ट केस भी सरकार कर सकती है। सो दिस इज ऑल फॉर द क्लास। कुछ भी नहीं समझ आया तो कॉन्टैक्ट मी एट 84594 Penta 0। एंड आप हमारी क्लासेस दिल्ली में, चंडीगढ़ में, आगरा में और जीरकपुर में ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी इशू हो प्रेपरेशन को तो आप मेरी टीम के साथ इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।